काशी की कुश्ती है साथियों, दिल थाम के बैठिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। 1 लाख के चक्कर में दोनों पहलवान फंस जाएंगे आज लगता है। रेफरी साहब के दाहिने हाथ में दोनों घुटने में नेकब लगाए हुए काले जांघिया में ये है मनजीत पहलवान। दिल्ली राजधानी जहां बहता है जमुना का पानी, उन्हीं के सवाल के जवाब में भारी भरकम शरीर लुए हुए लाल जांघिया में घुटने में नेकब लगाए हुए अमित पहलवान हरियाणा, हरियाणा की जान और शान। यही है अमित पहलवान, हरियाणा की जान और शान अमित पहलवान। रेफरी साहब समय बताइए, समय हेलो हेलो दे दीजिए, आधा घंटा दे दीजिए या 1 घंटा, उसके बाद फिर दे दीजिए। बिना समय के कुश्ती नहीं होती, या तो कट्टा दे दो, गोली मार दे, आर पार हो जाए, आर पार ऊपर वाला किसी का नखरा है। समय दे दीजिए, 1 घंटा दे दो, 2 घंटा दे दो, लेकिन समय दे दो, समय बढ़ा दिया जाएगा। चलिए भैया, इस कुश्ती का समय 3, 13, 23, 8, 18, 28 बहुत खराब समय होता है। इस कुश्ती का समय रहेगा 20 मिनट। बजी सिटी गिरा सिग्नल, चली गाड़ी। बहुत सही है दोनों पहलवान। एक पहलवान हरियाणा रोहतक से चलकर आया है, एक पहलवान दिल्ली राजधानी से चलकर आया है। देखिए हमारे गोपाल थापा जनता के बीच में घूम रहा है, जनता जनार्दन से हम कहेंगे उनको 10-20 देकर उनका हौसला बुलंद करे। गोपाल थापा, बहुत सही, दोनों पहलवान मल युद्ध में भिड़ रहे हैं साथियों। इस दंगल को सुचारू रूप से हमारे समिति के लोग बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करवाते हैं हर वर्ष। इस वर्ष भी अच्छी तरह से पूर्ण होने के कगार पे है। आप लोग इतना प्यार सम्मान दिए, जनता जनार्दन इतनी संख्या में पहुंचकर अपना समय दिए, इसके लिए हम स्वागत वंदन करते हैं आप लोगों का। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। समिति की लोग हर वर्ष ऐसा प्रोग्राम कराने में सक्षम हो सके। अरे इस कुश्ती में पानी पानी चिल्लाएंगे, लेकिन पानी नहीं पाएंगे। जवानी से जवानी टकराएगा, देखने वालों को मजा आएगा। बहुत सही है। अरे देखे हल्का लगा रहा है, 1 लाख रुपये के पहुंचते हम मार दे भले ले 1 लाख, लेकिन दोनों पहलवान फंस गए 1 लाख के चक्कर में। कोई कहीं से कम नहीं है, दोनों पहलवान अपने उम्र वजन के अच्छे हैं। एक तरफ हरियाणा रोहतक का अमित पहलवान, दूसरी तरफ दिल्ली का मनजीत पहलवान। दोनों जोर आजमाइश अपना दांव पेच लगाने के प्रयास में है। देखते हैं जिसके बाजुओं में ताकत होगी, जो देसी घी खाता होगा, डालडा के गरीब नहीं जाता होगा, वही आज संग्रहवा की धरती पर पटक कर 1 लाख रुपए का इनामी राशि ले जाएगा। साथियों बहुत सही है, दोनों पहलवान इस समय, दिल्ली का पहलवान नीचे है और हरियाणा रोहतक का पहलवान ऊपर है। अमित पहलवान ऊपर, मनजीत पहलवान नीचे है। दोनों अपने दांव पेच मारने के प्रयास में लगे हुए हैं। खड़ा खड़ा करे रेफरी साहब, रेफरी के निर्णय का पालन करिएगा आप लोग। बहुत सही कुश्तियां चल रही हैं, आप लोग अपना समय दिए, ये बहुत हर्ष की बात है। इतनी भीड़ हम कहीं देखते नहीं हैं, लेकिन आप लोग अपना समय दिए, कुश्ती का आनंद उठाएं, बहुत बहुत दिल से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। दिल्ली का पहलवान नीचे है और हरियाणा रोहतक का पहलवान ऊपर है। दोनों दांव पेच मारने के प्रयास में रख दिया है 1 क्विंटल 20 किलो का घुटना। दिल्ली के पहलवान की बढ़ गई परेशानी। इस समय हरियाणा रोहतक का पहलवान ऊपर,
दिल्ली का पहलवान नीचे, दिल्ली के पहलवान की बढ़ गई परेशानी, याद आ गई नानी। जी जी जी, बहुत ही जद्दोजहद से मुकाबला हो रहा है साथियों। बहुत ही जानदार और शानदार कुश्ती, शांत कुश्ती हो रहा है। दोनों पहलवान एक आपस में भिड़े जा रहे हैं। ये फाउल गेम, मत गर्दन पे हाथ मारिए, कान पे आंख पे मत मारिए, गर्दन पे आप हाथ मार सकते हैं। लेकिन देखिए मंजीत अमित पहलवान पट लग कर उठाने के प्रयास में, लेकिन दिल्ली का पहलवान बचाव कर लिया। मंजीत पहलवान खतरे में पड़ गया है। दिया गया समय 20 मिनट, बीता समय 9 मिनट, शेष समय 11, पहलवान 2 मिनट 11। दोनों अपने दांव पेच की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पहलवान बहुत ही अच्छे हैं अपनी उम्र वजन के दोनों पहलवान। दिल्ली का पहलवान नीचे, हरियाणा रोहतक का पहलवान ऊपर। घुटना रख दिया था एक कुंटल 20 किलो का, दिल्ली के पहलवान की परेशानी बढ़ गई थी। आरंभ पार फाइनल होगी। देखिए एक हो गई 10वें मिनट में मंजीत हरियाणा अमित पहलवान हरियाणा का पहलवान विजयी रहा। हेलो रेफरी महोदय, अध्यक्ष जी, इस सहारा हम चाहते हैं जा रहे हैं अमित भैया, आप ही दिखा दे। हेलो अध्यक्ष जी जा रहे हैं, उन्हीं के हाथ से चेक हस्तांतरण होगा। जी जी जी, आप लोग दो इतना समय दिए, 2 मिनट का और समय दीजिए, शांति बना सहारा युवा क्लब के अध्यक्ष। कृपया आप लोग 2 मिनट का और समय दीजिए, इतना समय दिए 2 मिनट और दीजिए, पुरस्कार वितरित हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग जाइएगा। अरे बैठ के दिखलाई घमघम सा रे, भाई पैसा दे दो, मजा देख ले सब। हमारे इनाम की राशि घोषित करने लिए भैया जी आ रहे हैं। हमारे संगम सहारा युवा क्लब के अध्यक्ष जी हैं। आज इन्हीं के प्रयास द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम संभव हो पाया है। तो संगम सहारा युवा क्लब के अध्यक्ष द्वारा 1,00,000 का चेक विजेता पहलवान को हस्तांतरण किया जा रहा है। और ताली बजाने वाले तो चले गए, लेकिन जो है वही लोग ताली बजा करके पहलवान का मन बढ़ाए। और आदरणीय जन समुदाय, अगले साल इससे भी जानदार और शानदार कुश्ती आप लोगों को यहाँ